मोड़ासा टाउन नी अंदर एक गुनो रजिस्टर करवामां आवेल छे, जेमां विगत एवी छे के गई तारीख 24 डिसेम्बर ना रोज मोड़ासा नी अंदर एक नशा मुक्ति तथा धार्मिक कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आवेलुं, जेनी अंदर सलमान अजहरी रिजवी रहे घाटकोपर मुंबई थी मौलाना ने अहींया प्रवचन माटे बोलावामां आवेला, जेओ रात्रिना 9:00 थी मोड़ी रात सुधी एमने पोतानुं प्रवचन चालू राखेलुं, जे प्रवचननी अंदर तेमणे अन्य धर्मना माणसो माटे खूब ज अपमानजनक भाषामां वात करेली छे, तेमज बीजा समाज माटे के जेनी धार्मिक लागणी दुभाय ए परिभाषामां पण तेमणे उल्लेख करेलो छे। तदुपरांत एमने एट्रोसिटी एक्ट मुजबनी कलमोनो पण भंग करेल छे अने मतलब समाजनी अनुसूचित जाति समाजनी लागणी दुभाय एवा निम्न कक्षाना शब्दो वापरेल छे, जेना अनुसंधानमां मोड़ासा टाउननी अंदर एना आयोजक ईशाकभाई घोरी तथा आ सलमान अजहरीना विरुद्धमां पण गुनो रजिस्टर करवामां आवेलो छे। अने आ जे सलमान मौलाना छे ए एमना उपर गांधीधाम तथा जूनागढ़ जिल्लाओनी अंदर पण गुनाओ नोंधायेला छे, जेथी पोलीस इंस्पेक्टर श्री वाघेला तथा स्टाफना माणसोए मोड़ासानी अंदर पण एमणे आ भाषणनुं आयोजन करेलू हतुं, जेथी यूट्यूब उपर आ वीडियो जोतो जेमो अनुसूचित जाति समाजना पण पोलीसना माणसो हता एमने आ सांभळेलू के एमना समाज विशे पण खूब ज निम्न कक्षानी भाषामां मौलाना सलमान अजहरीए भाषण आपेलू छे, जेथी एट्रोसिटी एक्ट मुजबनी कलमो साथेनो गुनो रजिस्टर करवामां आवेलो छे अने धार्मिक लागणी दुभाय अन्य धर्मनी एवी भाषाओनो उपयोग करेलो होय कलम 153 ए तथा एट्रोसिटी एक्टनी कलम अलग अलग सेक्शन मुजब गुनो रजिस्टर करवामां आवेल छे अने एमनी धरपकड़ माटे આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે। હાલ કોઈની ધરપકડ કરવામાં આવી છે આયોજકની? અત્યારે હાલ આયોજકની ધરપકડ કરવામાં આવેલ નથી, પરંતુ એમની પૂછપરછ માટે એમને હસ્તગત કરેલ છે।